सुनो सुनो, आज हम आपको अपने डेली रूटीन के लिए जानते हैं। और जैसे कि सुबह के 6:30 बज चुके हैं, आज मैं लेट हो चुकी हूँ। सो मैं जा रही हूँ नहा लूँ, मिलते हैं नहाने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो हम नहा के निकल चुके हैं और हम थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लेते हैं। सो आई एम रेडी, चलते हैं बाहर, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। चलिए, ये हमारे हब्बू जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये हमारी मम्मी सो रही है। ये हमारे कालू जी हैं। हेलो कालू, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग, ये हमारे देवर जी हैं। कालू, चलिए हम अब थोड़ा किचन की ओर तरफ करते हैं प्रस्थान। अब हम थोड़ा दिया बाती कर लेते हैं। चाय बनाते हैं मम्मी के लिए। मम्मी की चाय का टाइम हो चुका है। देखते हैं मम्मी उठ चुकी है क्या, तब तक हम पीछे वाले कमरे में चलते हैं। कालू, चलिए पहले मम्मी के पास चलते हैं। अब हम मम्मी के लिए चाय बनाने जा रहे हैं, तब तक आप वेट कीजिए चाय का। ये हम चाय बना रहे हैं।
चाय को उबलने देते हैं हम, तब तक कुछ और काम कर लेते हैं। देखिए चाय बन चुकी है, हम चलते हैं चाय पीने। ये हो गई मम्मी की चाय, ये हुई मेरी, और ये हुई कालू की चाय। तो हम चाय पी चुके हैं, अब हम सुबह सुबह खाना बनाते हैं, चलते हैं। आज हम बनाएंगे तोड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे देवर जी शॉप पे जाते हैं तो वो खाना साथ में लेकर देते हैं। तो चलिए सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं, सब्जी काट कर देते हैं। ये हम कालू को चाय देने जा रहे हैं। कालू ले बेटा चाय ले, रिएक्शन देखो इसका। आज चाय पी ले, आ जल्दी पी ले चाय पी ले। ये चाय का बड़ा शौकीन है, अगर इसको चाय ना मिले तो ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन देता है कि वो चली चाय। तो चलिए तब तक हम खाना बनाने की तैयारी भी लेते हैं। कि देखिए हमारे हिंदी जी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सो ये भारी सी बेडशीट उठा के मम्मी के रूम में रखेंगे। ये देखिए हमारे हब्बी जी बहुत ही स्वीट है, हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। ये लो जी इन्होंने बेड लगा दिया है, लगा दिया जी हमने बेड, हमने बेड लगा दिया है। अब हमने ये सका दिया है, हमने सका दिया है। अभी सारा घर थोड़ा बिखरा हुआ है क्योंकि अभी सुबह सुबह उठे हैं। पहले हम खाना बनाएंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। ये वो दब जाए, ये देखिए कालू ने आज कांड कर दिया है, कानों की लीड तोड़ दी है और उसके पापा उसकी क्लास ले रहे हैं। ये देखिए क्या हल बनाया हुआ है। अब देखो ये गुस्सा भी कर रहे हैं, मेरे को क्यों डांट रहे हैं। पूछो। अरे ओए यार लीड क्यों तोड़ी है, स्पीकर कर दे इसका, स्पीकर बता के थोड़ा इसका है यो के है के यो। अरे के यो स्पीकर। सब्जी कटिंग करेंगे, हमारे देवर जी अपने शॉप पे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो ये नहाने जा रहे हैं, नहाई। तो हम खाना बना रहे हैं और हमने जीरा डाल दिया है, प्याज। हम बना रहे हैं तोरी की सब्जी।
हमारे देवर जी तो नहा के रेडी भी हो चुके हैं और खाना अभी तक बना नहीं है। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं और अभी खाने की फरमाइश करेंगे, तो अभी तक बना नहीं है जी। अभी हमने देवर जी का खाना लगा दिया है और फिर खाना खा के शॉप पे जाएंगे। हमारा खाना बन चुका है, अब हम देखते हैं कि बाहर पतिदेव और हमारी मम्मी और कालू जी क्या कर रहे हैं। ये देखिए कालू अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है और ये हमारी मम्मी जी आंगन लीप रही है, मम्मी हमें बोल रही है आंगन लिपवा दो साथ में, पर हमें तो लिपना ही नहीं आता। अभी कालू को चोट लग सकती थी लेकिन वो बच चुका है। आज हवा काफी अच्छी चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सफाई की तरफ। थोड़ी देर रेस्ट हो चुके हैं, अब हम घर की सफाई करेंगे। देखिए क्या हालत बनी हुई है घर की, हम सफाई पे कॉन्सेंट्रेट। ये देखिए कैसे सब बिखरा हुआ पड़ा है घर, ना झाड़ू निकली है अभी। ये देखिए किचन भी अभी गंदा हुआ पड़ा है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सफाई वगैरह। ओके लेट स्टार्ट नाउ। ओके ये यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, अच्छे से करो सफाई, एक एक चीज क्लीन करो। हाँ जी क्या कर रहे हो? हम अपने रूम की सफाई कर रहे हैं। सब काफी गंदा हो गया है, तो रोज कर लिया करो सफाई, गंदा होगा ही नहीं। रोज सफाई करो तो गंदा होगा ही नहीं। आजकल आंधियां वगैरह काफी चलती है ना, तो डस्टिंग आंधी चल रही है, रूम के अंदर आंधी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, हमारी सफाई हो चुकी है, अब हम दिखाते हैं कि हमारा घर कैसे लग रहा है सफाई करने के बाद। ये देखिए ये हमारी बैठक और वैसे आज का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, बादल वगैरह हुए हैं, आप देख सकते हो मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, बारिश आ सकती है। हमारे हब्बी जी ऐसे ही टहल रहे हैं। चलिए चलते हैं दूसरे रूम में। हम चलते हैं अभी किचन की तरफ, किचन भी लगभग साफ हो चुका है, बर्तन बचे हैं, सो हम अभी करेंगे। चलिए हमारी मॉम मोबाइल देख रही है,
और ये हमारा रूम है। सो ये भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है।